Okay, dear children, so as we were doing chapter My Fun Day, so now we'll continue with the topic Teacher, Teacher. Let us see. Some children of class 2A, second A, love to play Teacher, Teacher. They have decided to take turns in playing the teacher's role. जो कुछ बच्चे हैं second A के, उनको teacher, teacher खेलना बहुत पसंद है. वो क्या decide करते हैं? वो कहते हैं कि ठीक है, हम टर्न वाइज मतलब बारी बारी से टीचर का रोल प्ले करेंगे, टीचर बनेंगे. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, किस दिन कौन सा बच्चा किस रोल प्ले करेगा टीचर का. तो यहाँ पे डेज लिखते हैं, 6 days, क्योंकि संडे वो छुट्टी मानेंगे ना, संडे की छुट्टी होती है. और ये बच्चों के नाम, तो जैसे मंडे को वैभव टीचर बनेगा, ट्यूजडे को अल्पना, वेंसडे को गौरव, थर्सडे को गुरप्रीत, फ्राइडे को दीपक और सैटरडे को रहनुमा. ये बच्चे इस तरह से टीचर बनेंगे. तो देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. और हम बीच बीच में मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगी, जिससे आप इजिली आंसर कर पाए. Now fill in the blanks. Dash will be the teacher the day after Friday. Friday के बाद कौन टीचर बनेगा? Dash will be the teacher the day after Friday. Friday के बाद टीचर कौन बनेगा? तो Friday के बाद टीचर कौन बनेगा? जो Saturday पे जिसका नाम Saturday में होगा वो टीचर बनेगा. तो अगर आपको पहले वाली ये टेबल याद हो, तो उसमें लास्ट में सैटरडे में किसका नाम था? रहनुमा का. सैटरडे में किसका नाम था? रहनुमा का. तो आप यहाँ पे रहनुमा लिखेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट. डैश विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूजडे. ट्यूजडे से पहले कौन टीचर का रोल प्ले करेगा? तो ट्यूजडे से पहले, सबसे पहले तो ये देखो, ट्यूजडे से पहले क्या आता है? मंडे. जैसे यहाँ फ्राइडे के बाद सैटरडे, तो सैटरडे के सामने जिसका नाम था वो लिखा. यहाँ ट्यूजडे, ट्यूजडे से बिफोर मतलब ट्यूजडे से पहले मंडे. तो मंडे को कौन टीचर का रोल प्ले करेगा? देखते हैं हम टेबल में नाम के मंडे को किसका नाम है टीचर का, टीचर बनने का. लेट अस सी. तो यहाँ मंडे में देखिए, मंडे में ये ट्यूसडे से पहले, ये मंडे में वैभव. तो मंडे को कौन टीचर बनेगा? यहाँ वैभव. ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर. गौरव टीचर का रोल प्ले करेगा इस दिन के बाद. तो जो दिन लिखना है उसके बाद वाला दिन बताना है आपको. गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर. तो जो गौरव, जिसके, जैसे मान लीजिए गौरव का दिन अगर लिखा है, मान लीजिए फ्राइडे लिखा है, तो आप एक दिन पहले का उठाएंगे डे, ताकि वो फ्राइडे है. फ्राइडे से, हालांकि यहां लिखा आफ्टर है, लेकिन यहां पर आप कौन सा डे लिखोगे? उससे एक बिफोर. बेटा इन दो क्वेश्चन में जो लिखा है, यहाँ आफ्टर लिखा है तो उससे एक दिन पहले वाला लिखना है, और यहाँ बिफोर लिखा है तो इससे एक दिन बाद वाला लिखना है. क्यों? क्योंकि जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वो उल्टी हो जाएगी. देखते हैं, अभी आपको एक बार करके दिखाती हूँ. तो गौरव का जहां पे नाम लिखा है उससे आफ्टर मतलब बाद का बताना है, तो एक दिन पहले पिक करना है. आफ्टर का मतलब बाद होता है, लेकिन यहाँ हम डे कौन सा लिखेंगे? एक दिन पहले का. गौरव, ये देखो, गौरव जो है वेंसडे को पढ़ाएगा ना, लेकिन वहां पर क्या था? आफ्टर दिस. तो आफ्टर ट्यूजडे, मैंने बोला ना आफ्टर लिखा है. वैसे तो आफ्टर थर्सडे होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम उठाएंगे तो उल्टा मैंने बोला था, आप ट्यूजडे पिक करेंगे. ठीक है, आप यहाँ लिखा, वहां आफ्टर है, लेकिन आप यहाँ देखो, आफ्टर लिखा है ना, लेकिन आप यहाँ पर
बिफोर वेंसडे को गौरव पढ़ाएगा लेकिन आप ट्यूजडे लिखेंगे क्योंकि। अब आप यहां से पढ़िए, गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर ट्यूजडे। अगर हम ये पूरा पढ़ते हैं कि ट्यूजडे के बाद वाले दिन में गौरव पढ़ाएगा तो वेंसडे करेक्ट आंसर आता है। अगर यहाँ आप पहले ही आफ्टर के हिसाब से यहाँ थर्सडे लिख देते तो उसका आंसर फिर और गलत हो जाता कि आफ्टर थर्सडे यानी फिर गौरव का दिन फ्राइडे रिफ्लेक्ट करता, तो ये गलत हो जाता। इसीलिए मैंने आपको पर्टिकुलरली इन दो क्वेश्चंस के लिए बोला है, आफ्टर लिखा है तो एक दिन आफ्टर मतलब बाद होता है तो एक दिन पहले का चूज करना है, और यहाँ बिफोर लिखा है तो एक दिन बाद का यानी आफ्टर का चूज करना। तभी आपका जब पूरा आप आंसर लिखने के बाद क्वेश्चन पढ़ोगे दोबारा तो ठीक आएगा उस बच्चे का दिन। दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर। डे बिफोर पहले ये देखो, ये देखो दीपक का पहले हम दिन देखेंगे कि दीपक फ्राइडे को पढ़ाता है, ठीक है। तो बिफोर बिफोर फ्राइडे थर्सडे आता है, लेकिन नहीं आपको उल्टा करना था, आफ्टर सैटरडे लिखोगे यहाँ और उसके बाद जब आप पढ़ोगे स्टेटमेंट को तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आएगी। क्या आएगी इसके बाद आएगी कि दीपक विल प्ले टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर सैटरडे, सैटरडे से एक दिन पहले पढ़ाएगा वो यानी फ्राइडे, विच इज द करेक्ट आंसर। ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर वर्कशीट। चलिए ये आपकी वर्कशीट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको आज करने हैं। राइट द डेज ऑफ द वीक इन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर में डेज ऑफ द वीक लिखे हैं, लेकिन आप हम कौन सा डे फर्स्ट डे मान के चल रहे हैं, मंडे, तो आप इस तरह से मंडे ट्यूजडे इस तरह से आप इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। ये मैं पूरे नहीं लिख रही हूँ, ये आप पूरे यहाँ पे सीक्वेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, देर आर डैश डेज इन अ वीक, देर आर 7 डेज इन अ वीक, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, द थर्ड डे ऑफ द वीक इज, बेटा मंडे छोड़कर जो भी डे से बाद में या पहले पूछते तो उस दिन को छोड़ के उसके पहले या उसके बाद में काउंट करते हैं, तो ऐसे ही थर्ड डे है तो मंडे छोड़ के ट्यूजडे वेंसडे सॉरी इसको मंडे जो आपका है वो पहला दिन है, तो थर्ड डे कौन सा होगा, तो थर्ड डे होगा आपका वेंसडे, वेंसडे यानी मंडे फर्स्ट डे हुआ, ट्यूजडे आपका सेकंड डे हुआ, तो वेंसडे आपका थर्ड डे हुआ। ओके फोर्थ डे आपका थर्सडे हुआ, क्योंकि फर्स्ट डे आपका मंडे, सेकंड आपका ट्यूजडे, थर्ड वेंसडे, फोर्थ आपका हुआ थर्सडे, ठीक है। सेवेंथ डे आपका वीक का क्या हुआ, फर्स्ट डे हुआ मंडे, सेकंड डे हुआ आपका ट्यूजडे, थर्ड हुआ वेंसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स्थ सैटरडे एंड सेवंथ संडे। बेटा यहाँ पे देखो आपने कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़े थे, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपने पढ़े थे, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डर में आ रहे हैं, इसलिए जो मैं आपको यहाँ पहले बता रही थी कि उस डे या उस नंबर को छोड़ के करना है, तो इस डे से अगर थर्ड डे या फोर्थ डे पूछा होता कि मंडे के बाद थर्ड डे, मंडे के बाद थर्ड डे या ट्यूसडे से पहले डे या सेकंड डे, जब इस तरीके से पूछा है उस पर्टिकुलर डे से पहले या बाद में, तो उसको आपको छोड़ना है। लेकिन यहाँ नॉर्मली पूछा है ना कि वीक का पहला दिन कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा, तो इसमें आप 1 2 3 4 ऑर्डर में करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मंडे से मंडे के बाद थर्ड डे कौन सा होता है, मंडे के बाद, ध्यान से सुनिए, मंडे के बाद थर्ड डे कौन सा होता है, तीसरा दिन कौन सा होता है, तो आप मंडे छोड़ के ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे, तब आपका थर्सडे होगा, मंडे से थर्ड डे होगा, लेकिन वीक का थर्ड डे कौन सा होगा, वेंसडे, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बेटा आई होप यू अंडरस्टूड एंड नाउ वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन सेशन। थैंक यू।